तो इसका जो मुझे माइलेज निकल कर आया था वो 63 किलोमीटर पर लीटर था। वो एक ब्रेक से रिलेटेड इश्यू आ रहा था जो मैंने बताया था आपको, जैसे ही मैं ब्रेक लगाता हूँ गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। आपको फ्रंट ब्रेक है जो वो यूज़ करना पड़ेगा, जो कि रिस्की होता है हाई स्पीड पे। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइस, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं MT15 के रिव्यू के बारे में। अभी तक ये बाइक मेरी 2500 किलोमीटर के लगभग चल चुकी है, लेकिन मैंने कोई रिव्यू की वीडियो नहीं बनाई है। पहले जो वीडियो बनाई थी उन्होंने सर्विसिंग से रिलेटेड बनाई थी, लाइक फर्स्ट सर्विसिंग से पहले क्या क्या परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं ओवरऑल रिव्यू के बारे में, ओनरशिप रिव्यू के बारे में। तो चलते हैं बाइक के पास और बताता हूँ मैं आपको क्या एक्सपीरियंस रहा है मेरा, क्या परफॉर्मेंस बाइक ने मुझे दी है और लोगों का रिएक्शन क्या था, क्या रिस्पॉन्स मिला मुझे लोगों से, जो मतलब मेरे करीबी हैं, फ्रेंड्स हैं और फैमिली वगैरह है, वो क्या बोलते हैं इस बाइक के बारे में। तो अभी बात करते हैं अपन, पूरा रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ, कैसा क्या सीन है, क्या परफॉर्मेंस मुझे मिली है और बाकी सब। तो वीडियो के साथ बने रहो और लास्ट तक देख रहे हैं वीडियो। सो गाइस, ये रही हमारी MT15। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके मीटर के बारे में। मैं आपको बता देता हूँ कितने किलोमीटर ये चली हुई है हाई बॉडी। आपको बता देता हूँ यहाँ पे देखो, अब 2363 किलोमीटर चली हुई है ये बाइक। और उसके बाद इसका जो माइलेज है वो भी मैं आपको बताता हूँ कितना माइलेज मुझे मिल रहा है इस बाइक से। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज किलोमीटर पर लीटर 55.3। और मैंने अभी एक माइलेज की भी वीडियो बनाई हुई थी, माइलेज टेस्ट किया था मैंने। तो इसका जो मुझे माइलेज निकल कर आया था वो 63 किलोमीटर पर लीटर था, तो वो तो बहुत बढ़िया था। मतलब मैंने लेकिन वो हाईवे पे ही चलाई थी और छठे गियर से गाड़ी नीचे गई ही नहीं थी। ये मान लो एक या दो बार गई होगी, बाकी छठे गियर से नीचे गाड़ी गई ही नहीं थी, तो वो एक अलग हो गया। उसके बाद हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लुक के बारे में। देखो आप, बिल्कुल बीस्ट लगती है, बीस्ट। इसी वजह से मैंने ये बाइक ली हुई है। बहुत बहुत शानदार इसका, मतलब लोग देखते हैं यार, पलट करके देखते हैं कि क्या आ रहा है ये, मतलब अलग ही बाइक है। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके जो मुझे इशू आ रहे हैं अभी तक इस बाइक में। वो एक ब्रेक से रिलेटेड इशू आ रहा था जो मैंने बताया था आपको, जैसे ही मैं ब्रेक लगाता हूँ गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और जो डिस्क पैड है उसमें वाइब्रेशन होता है, मतलब वाइब्रेशन इसमें ज़्यादा होता है और ब्रेक लगते नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं लगते। और जो दूसरा इशू आ रहा था वो मेरे को टायर में आ रहा था। जैसे ही आप पहली राइड के लिए लेकर जाते हो सुबह सुबह, या मान लो आप कभी भी लेकर जा रहे हो एक दिन बाद दो दिन बाद, तो ये क्या जो इसका टायर है ना, ये बैक टायर, ये आवाज़ करने लगता है। तो ये दो इशू मेरे को आ रहे थे इस बाइक में, बाकी मुझे कोई ऐसी दिक्कत लगती नहीं है। और सीट का सबसे ज़्यादा मेजर इशू है, जो लोग मतलब मुझे बोलते हैं कि यार सीट छोटी है। ऑनेस्टली अगर आप किसी लेडी को, तो आप नहीं बैठा सकते हो, जो साड़ी पहनती है वो तो नहीं बैठ सकती। मैं अपनी मम्मी को भी नहीं बैठा सकता हूँ इस बाइक पे, और किसी को भी नहीं बैठा सकता। जो जीन्स वगैरह अगर कुछ पहन के बैठ रही है लड़की तो बैठ जाएंगे, दो लोग आराम से चले जाएंगे, लेकिन जो लेडीज़ होती हैं जो साड़ी पहनती है वो इस पर बैठकर नहीं जा सकती, बहुत अनकंफर्टेबल लगता है उनको, डर लगता है। और इसमें पीछे कोई सपोर्ट भी नहीं है ना, यहाँ पे कोई बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं है। तो इस वजह से अगर आप मान लो अपने जैसे चौथे गियर में आपने दूसरा गियर लगा के आप ओवरटेक कर रहे हो, तब इशू आता है उसमें, तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता है उनके लिए। और बाकी हम बात करते हैं इसकी हाइट की। तो ये मैंने सोचा था कि सीट हाइट इसकी कम है, इस वजह से मैं KTM से मैं MT पर शिफ्ट हुआ था, तो उसका माइलेज और सीट हाइट से मेरे को थोड़ा इशू हो रहा था। लेकिन मैंने इस पर बैठ कर भी नहीं देखा था ये वाली बाइक पे, MT पे इसकी और उसकी सेम हाइट ही है सीट की। तो अगर आपकी हाइट है 5'6" और मतलब 5'8 से ऊपर अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप डाई हार्ट फैन हो इस बाइक के, फिर तो कोई भी हाइट हो आपकी कोई इशू है ही नहीं। और मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि गाड़ी में कोई दिक्कत है, गाड़ी बहुत सही चल रही है। बस जो मेजर इशू मैं फेस कर रहा हूँ वो इसके ब्रेक से रिलेटेड कर रहा हूँ। सिर्फ अभी जो इसका रेयर ब्रेक है उसमें मुझे सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है, और टायर में इशू आ रहा है। तो मेरे को वर्कशॉप जाना ही है, वर्कशॉप जाऊँगा, वर्कशॉप में जा कर के दिखाना है सब कुछ,
उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसा परफॉर्मेंस रहता है, इसका ब्रेक सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। बाकी तो मैं इसको हाई स्पीड लेकर ही नहीं जा रहा हूँ, हाई स्पीड में इसको लेकर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि फिर कंट्रोल करने में दिक्कत आ जाती है। आपको फ्रंट ब्रेक है जो वो यूज़ करना पड़ेगा, जो कि रिस्की होता है हाई स्पीड पे। तो आप जो रेयर ब्रेक है आप वो यूज़ करोगे तो वो अभी काम कर नहीं रहा है, तो मैं हाई स्पीड पे इसको बिल्कुल नहीं लेके जा रहा हूँ। सो गाइस, अब अगर हम लोग बात करें इसकी प्राइस की, तो मुझे इसकी जो प्राइस पड़ी है वो पड़ी है 220, जो कि कैश था, एक शोरूम प्राइस था, और मैंने फाइनेंस करवाई है इसको, तो मुझे लगभग पड़ी है 283 के लगभग, 283,000। तो थोड़ी सी ओवर प्राइस है, लाइक अगर थोड़ा और कम होता इसका रेट तो मुझे लग रहा था कि इसकी सेल और अच्छी होती। बाकी तो क्रेज़ अलग ही है MT15 का, ये सबको पता है। और जहाँ भी मैं जाता हूँ ना, लाइक अगर मैं मेले में गया था लास्ट टाइम, तो 2-3 बच्चे आए लाइक 18-19 साल के और फ़ोटो क्लिक कर रहे थे बाइक के साथ। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ये हमारी फेवरेट बाइक है, हमको लेनी है ऐसा करके। तो मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा लोग जो 19-20 साल के होते हैं वो MT15 लवर ही होते हैं वो। लाइक अब KTM तो ये मान लो आप छपरी बाइक बोलकर उसकी जो ब्रांड वैल्यू वो ख़त्म हो चुकी है। तो अभी जो है ये है, और R15 है सेम ही प्राइस में, R15 भी आपको सेम प्राइस में मिल जाएगी। NS200 आप ले सकते हो इससे कम में, अगर आप थोड़ा सा कम बजट है आपका तो 180-190 के लगभग NS200 लग जाती है, और बाकी तो बुलेट फिर अलग ही है। तो इस प्राइस में थोड़ा सा मुझे यही लगा कि थोड़ा सा कम होना था, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं बाइक में। और मैं KTM भी लेने गया था, 200 लेने गया था मैं KTM, तो उसका मैंने कोटेशन बनवाया था, तो उसका सेम प्राइस आ रहा था, सिर्फ 4,000 का फ़र्क था। वो 224 की थी और ये 220 की मुझे पड़ी है, और ये है 150 cc, ये भी आपको पता ही होगा। सो गाइस, अब बात करते हैं हम इसकी हाई स्पीड की। तो फर्स्ट सर्विसिंग से पहले जब मैंने इसको खींचा था तब इसकी हाई स्पीड चली गई थी 123। तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कि अभी फर्स्ट सर्विसिंग हो जाने दो, उसके बाद आप इसको तेज़ चला सकते हो, लेकिन उससे पहले ज़्यादा मत चलाना। तो मैंने फिर उसके बाद ज़्यादा ट्राई नहीं किया था, और जब फर्स्ट सर्विसिंग हो चुकी थी उसके बाद जब मैंने इसकी हाई स्पीड चेक की तो 130 पे इसका लिमिटर आ गया था। 130 से ऊपर ये बिल्कुल भी नहीं गई अभी तक तो मेरे हाथों में, और बाकी मैंने किसी को दी भी नहीं है। तो और देखता हूँ, और थोड़ा बहुत किलोमीटर चलने के बाद, लाइक अभी तो 2,500 ही किलोमीटर चली हुई है, तो 5,000-1,000 किलोमीटर चलने के बाद, 7,000 किलोमीटर चलने के बाद हो सकता है थोड़ी और स्पीड इसकी अप हो, क्योंकि लोगों ने 140-145 तक भी इसको निकाल रखा है। तो हो सकता है अपनी भी जाएगी, अपनी भी तो MT है version 3, तो ये भी जाना चाहिए। तो वो देखेंगे अपन क्या हो सकता है, कहाँ तक जाती है। तो बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना इस वीडियो को जितने लोगों को हो सके। बाकी बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।